घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। लेसन नंबर 5 में आपका सभी का स्वागत है। एंड जैसा कि आप पिछले 4 लेसन में सीख चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे आपको लय ताल और लयकारी का ख्याल रखना है, सबसे पहले वही सीखना है। और जिसमें भी हम अब तक ठाह लयकारी समझ चुके हैं और लास्ट लेसन नंबर 4 में हमने दुगुन लयकारी भी समझ ली है। और कैसे लयकारी अगर नई जब हम सीखते हैं तो क्या प्रोसीजर है, ये अब आपको शायद पता चल चुका होगा कि सबसे पहले हमको महज टैप में बिना ताली खाली का ख्याल रखें। महज टैप में हमें पहले सबसे पहले वो सभी तालें छंद में यानी गिनती में सबसे पहले कर लेनी है, गिनती में उस लयकारी में कर लेनी है। जैसे कि आज हम चौगुन सीखेंगे, चौगुना क्वाड्रपल यानी इंटू 4 की लय हम सीखेंगे, एक मात्रा में 4 बोल की लय हम सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक ताली लगाकर आप सबसे पहले उस छंद को उस लहजे में बोलें, उस गति में बोलें। देन आप वही चीज़ अप्लाई करें जो ताल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कंप्लीट जो ताली खाली वाला जो फिंगर्स वाला स्ट्रक्चर है, विभाग विभाजन वाला स्ट्रक्चर है, उसमें आप बोलेंगे पर गिनती में। देन थर्ड स्टेप में जाके आप कहीं जाके उसको बोलों में बोलेंगे। और बोलों में फिर जब तक बोलों में आएंगे तब तक वो चीज़ आसान हो जाएगी, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट इस चीज़ को बोलों में ट्राई करें, आप सोचें कि अरे ये तो आसान है, मैं डायरेक्ट बोलों में कर सकता हूँ, दिस इज नॉट द प्रोसीजर, मैं इतना इजी सी से क्यों जाऊँ। बट द थिंग इज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, आप समझें उस चीज़ को, न कि रटें। आप चौगुन बोल रहे होंगे पर्टिकुलर किसी ताल की, बट आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा होगा कि वो चौगुन कितनी मुश्किल जा रही है, कैसे कैसे उसका जो विभाग है विभाजन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रेस चेंज होता है तो टोन चेंज हो जाती है उसकी ताल की, है ना। आपने स्ट्रेस दिया 1 पे और 2 पे, 1 और 3 पे स्ट्रेस देंगे तो 1 2 3 4 ये टोन बनेगी, वरना आप स्ट्रेस सिर्फ 1 पे दोगे तो 1 2 3 4 ये टोन बनेगी। और चौगुन में जब अलग अलग छंद आपके सामने आएंगे, क्योंकि आप अब तक जो 6 छंद आपके पास लिखे हुए हैं जो समझ चुके हैं, उनमें सब में डिवीजन अलग है, है ना। झपताल का 2 3 2 3 का डिवीजन है, तो रूपक का 3 2 2 का डिवीजन है, तो ये डिविजन्स अलग अलग है। और जब इनमें आप पेयरिंग करेंगे डिफरेंट, तो ऑफ बीट्स पे आपके वजन जाएंगे, है ना। आप जब इनको लिख के भी देखेंगे, मैं अभी लिखना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ बिकॉज आप लिख लेंगे देन आप रटेंगे उसको कि मुझे कहाँ वजन देना है कहाँ नहीं देना है, मुझे एक मात्रा में क्या क्या याद करना था। इसीलिए डायरेक्ट बोल भी नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना है वो याद, ये ताले महज अलग अलग लयकारी में याद कर लेने से कुछ नहीं आ जाएगा, 1% डेवलपमेंट नहीं होगा अंदर। अगर डेवलपमेंट करना है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रूट्स एंड उनका वजन और छंद हमको ढंग से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 40 का मैं टेम्पो लगाऊं या 45 का भी लगा सकता हूं, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस टेम्पो में कीजिएगा। मैं यहां पे 45 लगाता हूं ताकि एक कॉमन हो जाएगा जिससे कि आप सभी कर सकेंगे साथ में, बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि लय जितनी धीमी जाएगी उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि टाइम गैप बढ़ जाएगा तो अंदाजन उसी मात्रा पे ताली लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और विलंबित का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये भी मैंने बताया ही है, लय को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि दादरा से हम शुरू करेंगे, दिस इज द लय। सबसे पहले किसी भी नए लय को शुरू करने से पहले, एज आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, वरना तो धीरे धीरे वो डायरेक्ट फर्स्ट मैच में ही आप पकड़ सकते हैं उसको। थोड़ा सा सुन लिया, ये टैप आप देख सकते हैं, एंड जस्ट नोटिस द रिस्ट मूवमेंट कि रिस्ट में जो जर्क आ रहा है, हल्का जो झटका है वो आना चाहिए। वी हैव टू डिवाइड एक मात्रा के दो हिस्से, है ना, डिवाइड करना है एक बीट को, एक नीचे एक ऊपर। और आप देख सकते हैं मैं कैसे कैसे ताली लगाते हुए भी आपसे बात कर रहा हूं एंड ताली नहीं बिगड़ रही है। तो ये प्रैक्टिस तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, और जाहिर सी बात है चौगुन तक आने के बाद तो ये अब तक मजबूत हो ही जानी चाहिए चीज। और अगर नहीं हुई है इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपने लय जो है रटी है, उन तालों की लयकारी रटी है, आपको समझ नहीं आई थी कुछ भी, क्योंकि समझ आने के बाद वो एक बार कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस में बैठ गई तो फिर वो कुछ भी काम करते करते आप उस चीज को कर पाएंगे और कहीं भी कर पाएंगे। सबसे पहले 6 मात्रा सिंगल में, 1 2 3 4 5 6 टोन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये पूरा टोन का आपको ख्याल रखना है कि कैसे 1 2 3 के बाद हल्का सा पॉज है ना, गैप नहीं है, मतलब मात्रा नहीं जा रही है, सिर्फ एक टोन का पॉज है,
जिससे आपको मालूम चल जाएगा टोन चेंज है वहाँ। और हमेशा कहा है आपको कि दर्जे से चलिए, सीढ़ी दर सीढ़ी चलिए, ठा के बाद दुगुन कीजिए, दुगुन के बाद चौगुन कीजिए, डायरेक्ट दुगुन या डायरेक्ट चौगुन नहीं करना है, उससे मालूम ही नहीं चलेगा, वो जंप नहीं मालूम चलेगा। जो दुगुन से चौगुन का जंप है, जो ठा से दुगुन का जंप है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वहीं आपकी लय मजबूत होती है, वहीं पता चलता है आप में लय में कितने मजबूत हैं। सो अगेन, ए दो तीन चार पाँच छ, डबल एक दो तीन चार पाँच छ, 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 एक। तो ये हमने अभी अभी देखा कि कैसे मैंने चौगुन करी, तो चार बार बोलना पड़ा, जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस है, बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि चौगुन करते हैं तो चार बार बोलना पड़ता है जस्ट टू कंप्लीट द आवर्तन, जो ए जो बीट साइकिल 1-6 की, उसमें अगर आप कंप्लीटली बोलना चाहेंगे ताल को तो चार बार आएगी वो, बिकॉज हम सम से उठ रहे हैं। उसके और भी प्रोसीजर्स हैं बट वो आपको नेक्स्ट लेसन में मालूम चल जाएंगे कि कैसे इसको अलग बीट से उठा के सिर्फ एक या दो बार करके भी संभलाया जा सकता है, दैट्स द डिफरेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो जो बेसिक फंडामेंटल था वो मैंने इसमें नहीं सिखाया, जो मैंने दुगुन में बता दिया था कि एक एक दो, है ना, बिकॉज ये तो अब इजी हो गया ना, इतना करने के बाद तो इतना तो समझ आएगा ही। अब अगर आप चौगुन जैसी लय में जा रहे हैं तो कुछ तो आप में डेवलपमेंट हो गया होगा कि आप डायरेक्ट थोड़ा डायरेक्ट तो समझ ही सकते हैं, है ना, वरना इसको आप एक एक दो एक दो तीन चार एक, पहले इसका अभ्यास के लिए चार मात्रा को ले लीजिए, है ना। और वही चीज मैं इधर भी करा रहा हूँ, यहाँ भी कुछ अलग नहीं करा रहा हूँ, जस्ट मैंने वो एक छंद जो है, जो डिवीजन है, जो टोन था हमारा, वो एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है, है ना। तो वही चीज है, हमने छह मात्रा से शुरू करा और उसका वो वैसे बोल के देख लिया। अब इसके जो शब्द हैं वो हम एंड में मैं सबके साथ में करके दिखा दूंगा, पहले हम जाते हैं 7 बीट्स में। अब इसमें जो हमने चौगुन देखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हेन यू डू द पेयरिंग, है ना, जब आप पेयरिंग करते हैं तब मालूम चलेगा कि कैसे आपका वजन ऑफ बीट्स पे जा रहा है। यानी अगर आप इसको गिने चार चार के, मैं बताऊं, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, आप इसको चौगुना मान लीजिए, है ना, लिखा हुआ भी आ रहा है स्क्रीन पर, मगर ये सिर्फ एक का लिख के दे रहा हूं मैं, बिकॉज बाकी सबका लिखूंगा तो आप रटने लग जाएंगे। तो एक दो तीन चार, हमारा जो वजन था वो एक और चार पे हमें देना था दादरा में, सेम आप सबके लिए अप्लाई कर लीजिएगा कि किस किस का किस पे आएगा। तो एक और चार पे हमारा वजन आ रहा है, सो आप देख सकते हैं कि एक बीट के चार हिस्से, यानी 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, तो हमारा जो वजन है वो 1/4 और 4/4 पे है। 1/4 इज द बीट बट 4/4 इज द ऑफ बीट, तो ऑफ बीट के वजन की प्रैक्टिस ही जरूरी है, तब जाके हम समझ पाते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छ, एक अगेन हमारा जो 1/4, 2/4, 3/4 पे हमारा वजन आया। तो ऐसे धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जब आप डिफरेंट डिविजन्स की पेयरिंग करते हैं डिफरेंट स्पीड वेरिएशंस में, है ना, डिविजन्स यानी जो हमारे विभाग हैं और स्पीड वेरिएशंस यानी जो हमारी लय कारी है, उसमें जब आप पेयरिंग करते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि कैसे ऑफ बीट्स पर वजन जा रहा है, ठीक है। तो आइए 7 बीट्स पर हम आते हैं अब, एंड 7 बीट्स का डिविजन आप जानते हैं 3-2-2 है, तो कैसे जाएगा 1-2-3-4-5-6-7-1। वजन देखिएगा कैसे, एक ही मात्रा में एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 1-2-3-4-5, फिर यहाँ आया 6-7, फिर यहाँ आया, तो कितनी ऑफ बीट्स जाएंगे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल पड़ेगा करना पर हो जाएगा, लय कम करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बिना ताली खाली के सिर्फ टैप के साथ कर रहे हैं, इसीलिए पहले इजीएस्ट वे में जाएंगे ताकि एक ही जगह कंसंट्रेशन रखना पड़े, तब जाएंगे तो ताली खाली पे भी कंसंट्रेशन, फिर बोलों पे भी, है ना। 7 बीट सिंपल, एक दो तीन चार पांच छ सात, डबल एक दो तीन चार पाँच छ सात, 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 एक। तो इसमें काफी जगह ऑफ बीट पे वजन गया है ना, इसका अभ्यास करना है आपको, स्लो लय में करिएगा, हो जाएगा। 8 बीट्स को कराने की मेरी कोई जरूरत नहीं है, 8 बीट्स आप खुद से कर सकते हैं, दैट्स अ बेसिक थिंग, उसका चार चार का डिवीजन है ना। 10 पे आता हूं सीधा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, डबल एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन
चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक। जितने ज़्यादा डिविजन्स और जितने ज़्यादा ऑड डिविजन्स होंगे उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उनकी पेयरिंग करने में अलग लयकारी में, है ना। तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे कि आठ मात्रा को मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज इवन डिविजन्स है और इवन लयकारी है, है ना। अगर उसको त्रिगुण में करेंगे तो वहाँ आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, वजन चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट आपकी एक ताल आ जाती है। एक ताल भी आसानी है, कोई मुश्किल नहीं, और तीन ताल भी आसानी है, ठीक है। तो उनको बजाय इस टैप के और गिनती के मैं डायरेक्ट बोलो में भी करूँगा तो भी आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके साथ भी एक बार देख लेते हैं दादरा की एंड रूपक की एंड झपताल की, देन हम बोलो में सभी तालों की देख लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ, डबल। एक दो तीन चार पाँच छ, 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 एक, ठीक है। रूपक, एक दो तीन चार पाँच छ सात, डबल। एक दो तीन चार पाँच छ सात, 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 एक। झपताल, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, डबल। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक, है ना। कितना स्मूथली चला गया ये, लेकिन आप करेंगे तब काफ़ी आपको समस्याएं आएंगी। कभी हाथ जो है ताली खाली में मिस्टेक कर जाएगा, कभी वजन आप प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे। हो सकता है इतना जल्दी इतनी जल्दी गति में आप नहीं कर पाएं, तो आप कम गति करके 40 पे कर लीजिएगा भले ही से, और लेकिन वही है फिर आपको संभालना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले टैप के साथ कराया ताकि वो वजन एक बार क्लियर हो जाए छंद, देन आप ताली खाली में भी कंसनट्रेट लगा पाएंगे, कंसनट्रेशन, है ना। तो आइए पहले अब लास्ट में इन सभी के बोलों को देख लेते हैं कैसे आएगा। दादरा से शुरू करूंगा। धा धिन ना, धा तिन ना, 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 धा। रूपक, तिन तिन ना, धिन ना, धिन ना, 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 तिन। कह रहा धागे नाति नक धिन्ना, 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 धागे नाति नक धिन्ना। जब तक धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना,
धेन धेन ना तेन ना धेन धेन ना धेन ना धेन धेन ना तेन ना धेन धेन ना धेन ना धेन धेन ना तेन ना धेन धेन ना धेन ना धेन धेन ना तेन ना धेन धेन ना धेन ना धेन धेन ना तेन ना धेन धेन ना धेन एक तार धेन धेन धागे तेरे केट तुन ना कत्ता धागे तेरे केट धेन ना धेन धेन धागे तेरे केट तुन ना कत्ता धागे तेरे केट धेन ना धेन धेन धागे तेरे केट तुन ना कत्ता धागे तेरे केट धेन ना धिन धिन धागे तिरकट तो ना कत्ता धागे तिरकट धिन्ना धिन धिन धागे तिरकट तो ना कत्ता धागे तिरकट धिन्ना धिन धिन धागे तिरकट तो ना कत्ता धागे तिरकट धिन्ना धिन धिन धागे तिरकट तो ना कत्ता धागे तिरकट धिन्ना धिन। देखिए अब एक ताल कितनी आसानी से हो गई क्योंकि हमने दुगुन चौगुन समझ लिया, तो धागे और तिरकट बोलने में कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। फिर भी अगर इसको करते समय कुछ समस्या आती है तो इसको थोड़ा और गति कम करके करिएगा, क्योंकि धागे और तिरकिट जो है आप क्लियर नहीं बोल पाएंगे और तिरकिट में लय आपकी बदल जाएगी, है ना। तिरकिट तिरकिट तिरकिट, है ना। इस चीज का ख्याल रखना है कि तिरकिट जब दुगुन में जाएगा, जब धागे और तिरकिट आएगा साथ में, धागे तिरकिट, है ना, तो उसका ख्याल रखना कि धागे नीचे तो दुगुन में था लेकिन तिरकिट ऊपर चौगुन में था। तो इस चीज का काफी ख्याल रखना है कि कैसे आपको महज उन चार मात्राओं को आपको कैसे डिवाइड करना है ना, धागे तिरकिट। और फिर जब चौगुन आ जाएगी तब तो दिन दिन धागे तिरकिट दोनों साथ में आएगा, धागे तिरकिट। अब इसमें धागे दुगुन में और तिरकिट चौगुन में, तो धागे तिरकिट छह बोल है लेकिन छह गुने की लय नहीं है। ये देखने वाली बात है कि बोल जितने हो उतने गुने की लय हो ये कोई जरूरी नहीं है, है ना। वो कैसे होता है वो आगे जब लिखेंगे तो और थोड़ा डिटेल में आपको आ जाएगा। बाकी इस ताल का ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं लास्ट तीन ताल पे और एंड करते हैं। धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा तेन तेन ता ता धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा तेन तेन ता ता धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा तेन तेन ता ता धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा तेन तेन ता ता धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा तेन तेन ता ता धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा तेन तेन ता ता धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा तेन तेन ता ता धेन धेन धा धा। तो ये अभी आपने देख लिया चौगुने की लय में कैसे आपने डिफरेंट जो छह छंद हैं उनका अभ्यास किया। ऐसे ही अब अगले एपिसोड में हम आठ गुने की लय को सीखेंगे। दर्जे से जा रहे हैं हम, पहले दो, पहले एक, फिर दो, फिर चार, अब आठ। उसके बाद हम जाएंगे कैसे हम आगे आधा गुना और एक चौथाई गुना भी कैसे करते हैं वो भी कर लेंगे। वो तो बेसिक सा है, वो इतना कोई मुश्किल नहीं, वो तो जल्दी से समझ जाएंगे आप। फिर हम जाएंगे थोड़ा अलग लहजे की तरफ जो होगा तिगुना का लहजा, और उसमें हम समझेंगे। तो जब तक डिफरेंट लयकारी में अलग अलग स्पीड वेरिएशंस में जब तक आप इन सारे छंदों को नहीं कर लेते तब तक क्लियर नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड को, ऐसे ही नया एपिसोड आएगा जल्द ही जल्द, एंड डेली 8 बजे रिलीज हो जाते हैं वीडियोस। सो आप लाइक कमेंट शेयर करें जरूर इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं जिनको फॉलो कीजिए। आप सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, इंस्टाग्राम हैंडल है संगीत प्रभा वर्ल्ड का, मास्टर निषाद का, फेसबुक पर हैं, एंड आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जो भी आपके सवाल जवाब हैं कमेंट्स में और हमें मैसेजेस के द्वारा बता दीजिए।